अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक गोश्त। तो इसके लिए मैंने ये गरम मसाला ले लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, चॉप की हुई प्याज है ये, ताकि जल्दी जल्दी गल जाए। आज हम बनाए लिया पालक गोश्त। तो तेल गरम करी ने मैं गरम मसाला भिजी ने हाने आओ प्याज भिजी डूमिया डूंगी ले जाऊं गोश्त भिजी डूमी। इसमें अब गोश्त डाल लेंगे हम। लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन मीठे जो पेस्ट बिजनेस में। खाने में टमाटर भी लीजिए लेना, इसमें आप टमाटर डाल देंगे। ये मसालों है, इनमें धनिया पाउडर, हल्दी और कलौंजी में सूखी मेथी, इधर ही मिलाए मैं मसालों बना लिया। ये अपनी चम्मच लीजिए देना आइसक्रीम की। इसमें भी खुश्क धनिया पिसा हुआ, कलौंजी और मेथी सूखी हुई मेथी, हल्दी और धनिया पाउडर, ये हमने मिला के ये मसाला तैयार कर लिया है। और ये आइसक्रीम की चम्मच है, ये मैंने डाली है एक चम्मच। ये है पिसी हुई इलायची, ये बिल्कुल चुटकी सी डालेंगे, एक चुटकी इसीलिए इलायची अपनी चुटकी लिखना। लाल मिर्च पीसे भी, पीसी भी लाल मिर्च। मीठे की अपने चम्मच, नमक एक चम्मच डालेंगे हम, अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च जो सुखाई थी और इसको पाउडर फॉर्म बना लिया है। ये हरा धनिया ने पांच हरी मिर्च होगी सुखाई ना पीसी गिनुनिया तरीपा आपकी चम्मच लीजिए बिना। अब इसको इतना भूनेंगे कि ये थोड़ा सा भून के कि पानी खुश्क हो जाए, खाने पानी के इतना भूखना कि पानी खत्म थी नहीं इनमें से, पची पानी थोड़ा सा उजी ने इनके गारे ले रखी दीनास। कहीं गोश टमाटर ने प्याज पानी गरीब ने, इसमें पानी को पानी ड्राई होने तक हम इसको भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे टमाटर प्याज और गोश गल जाए अच्छी तरह से।
गल चुका है तो इसमें हम आलू डालेंगे। आलू डाल के रख देंगे। सालन तैयार हो गया, आलू भी गल गए। अब इसमें हम डालेंगे ये कटी हुई अदरक और ये पालक। जब गोश्त का सालन बिल्कुल गल जाए, आलू भी गल जाए, इसके बाद हम पालक डालेंगे। उसके बाद बिल्कुल सिर्फ एक गिलास पानी डालना है। गले पानी जो आलू ने गोश्त पानी गली लेना, इनके बाद बस पालक भी गल चाहिए। खाने पानी के फेराई में रखी देना। अब इसको हम घुमा के रख देंगे और इसमें हम देखेंगे कितना पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो फिर हम एक गिलास पानी डाल देंगे शोरबे के लिए। सालन तैयार हो चुका है, पालक आलू गोश्त ई साइनो तैयार थी चुकी है। पालक आलू गोश्त हो तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करो, लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल के सब्सक्राइब करो। मैं वो वधारे दुआएं में याद रख जा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।